हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में और इवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करके बेटनोवेट क्रीम से होने वाले हर साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और बिना बेटनोवेट, बिना कोई स्टेरॉयड क्रीम यूज़ किए हुए इवियन 400 से अपने स्किन को क्लियर, ग्लोइंग, बेदाग और सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटनोवेट एन क्रीम से। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बेटनोवेट एन क्रीम जो है वो एक बहुत ही फेमस मेडिकेटेड क्रीम है जो कि हर मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। पहले ये एल्युमिनियम ट्यूब पैकेजिंग में आती थी, लेकिन अभी इसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है। अभी आपको प्लास्टिक की ट्यूब पैकेजिंग मिलती है और थोड़ा सा इसका जो प्राइस है वो भी अभी बढ़ गया है। पहले 45 रुपीज़ की आती थी ये क्रीम, अभी आती है 55 रुपीज़ की। तो अगर मैं बात करूँ बेटनोवेट एन क्रीम जो है वो क्या है, तो देखिए बेटनोवेट एन क्रीम जो है वैसे तो ये एक स्टीरोइड बेस्ड क्रीम है जो कि शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दांत खाज, खुजली में काम आती है। लेकिन सभी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती कि एक्चुअल में बेटनोवेट एन क्रीम का क्या काम है। वो इसे फेशियल स्किन पे इस्तेमाल करते हैं। फेशियल स्किन पे इसलिए क्रीम इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें स्टीरॉइड होते हैं, जिस वजह से ये बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। चेहरे में अगर पिंपल्स रिमूव करने हो, पिगमेंटेशन ठीक करनी हो, चेहरे को ग्लोइंग बनाना हो, रंग साफ करना हो, तो बेटनोवेट क्रीम जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। शुरुआत में जब आप बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पे करते हैं तो एक दो हफ्तों में ही आपकी जो स्किन है इसमें बेटनोवेट एन क्रीम के काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका जो कलर है वो साफ़ होने लगता है, दाग धब्बे आपके साफ़ होने लगते हैं चेहरे से, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, पहले से ग्लोइंग नज़र आती है। लेकिन जो ये रिजल्ट होते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेली होते हैं। जब तक आप बेटनोवेट एन क्रीम को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक ही आपकी जो स्किन है वो क्लियर, ग्लोइंग एंड शाइनी रहती है। जैसे आप इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखना आपके चेहरे पे शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जो कलर है वो पहले से ज़्यादा डार्क दिखने लगता है, आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपके चेहरे से नसें साफ नज़र आती हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस में और आपके स्किन में रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलते हैं अगर आप बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं। इसके अलावा अगर आप बेटनोवेट एन क्रीम या किसी भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल लंबे समय से अपने फेस पे कर रहे हैं तो इससे स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो बेटनोवेट एन क्रीम या किसी भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल आपको अपने फेस पे कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पे कर रहे हैं तो आज से ही इसे आप धीरे धीरे इसकी जो इस्तेमाल है इसको कम करके बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का अगर आप लंबे समय से इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप अचानक छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको अचानक लगाना बंद कर देंगे उसके भी साइड इफेक्ट आपके चेहरे में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे कम करके ही बंद करना चाहिए। जैसे कि अभी आप इसको डेली लगा रहे हैं तो आज से आपको इसको एक दिन छोड़ के लगाना है 1 वीक तक। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको ये क्रीम 2 दिन छोड़ के लगानी होती है, फिर नेक्स्ट वीक आपको 3 दिन छोड़ के लगानी होती है। इस तरीके से आपको इस क्रीम को धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक DIY नाइट स्किन रिपेयर सीरम बनाना बताऊंगी जिससे कि आपको अपने लिए बनाना है। और इस सीरम को आपको हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे में इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपके बेटनोवेट से जो भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं या किसी लंबे टाइम तक आपने कोई स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम इस्तेमाल की है जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो गई है, कालापन चेहरे पे आ गया है, स्किन डल हो गई है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपके धीरे धीरे इस सीरम से ठीक होने लगेंगे और आपकी जो स्किन है वो रिपेयर होके पहले जैसी हेल्दी, क्लियर और ग्लोइंग होने लगेगी। तो अब देख लेते हैं कि ये DIY नाइट रिपेयर सीरम आपको कैसे बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल आपको अपने चेहरे पे करना है। तो इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक खाली बाउल, एक खाली कटोरा जिसमें कि हम इस सीरम को बनाएंगे। और इस कटोरे में जो सबसे पहली चीज़ आपको डालनी है वो आपको डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं, फ्रेश अगर नहीं है तो आप पतंजलि स्टोर का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और प्योर एलोवेरा जेल है। और उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो ईडेबल होता है, प्योर होता है, इसलिए आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आपको जो कोकोनट ऑयल लेना है वो वर्जिन ही लेना है। तो 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल और 1 चम्मच आपको लेना है वर्जिन कोकोनट ऑयल। और उसके बाद आपको लेना है 1/2 चम्मच गुलाब जेल। चौथी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है 2 से 3 ड्रॉप प्योर विटामिन ई ऑयल। एंड प्योर विटामिन ई ऑयल आपको मिल जाता है इवियन 400 में। विटामिन ई में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके डैमेज स्किन
स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं, आपके स्किन को रिजिनुएट करते हैं। इसके साथ ही विटामिन ई की हेल्प से आप अपने चेहरे की खोई हुई चमक, खोया हुआ निखार जो है वो वापस पा सकते हैं। तो इस सीरम को बनाने के लिए यहाँ पे आपको इवियन 400 के सिर्फ 2 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। 2 कैप्सूल लेकर आप उनका ऑयल निकाल लें और इसमें ऐड कर लें। अब इन सभी इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करके आपको एक सॉल्यूशन रेडी करना है। तो मिक्स करने के बाद जो है वो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस सीरम को आप एक ही बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश कर लें, अच्छे से क्लीन फेस को पैड ड्राई कर लें। पैड ड्राई करने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप लेना है और अपने फेस में हल्के हाथों में सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अपने स्किन पे तब तक अप्लाई करें जब तक कि आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद रात भर इसे अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दें। मॉर्निंग में आप फेस वॉश कर लें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लें जो भी आपका रूटीन का मॉइस्चराइज़र है, एंड देन आप सनस्क्रीन अप्लाई करें जिससे कि आपकी जो स्किन है वो सन डैमेज से प्रोटेक्ट रहे। ये सीरम 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सभी स्किन टाइप्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर रोज़ रात को सोने से पहले इसे ज़रूर अप्लाई करें। 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करके देखिए, आपकी स्किन इतनी हेल्दी हो जाएगी, आपकी जो डैमेज स्किन है ना वो बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इसके साथ ही गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाए, जल्दी जल्दी आपकी स्किन ठीक हो जाए, तो कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियाँ भी आपको रखनी होती हैं। अगर आप ये प्रिकॉशन रखते हैं तो आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको हर दिन सनस्क्रीन अप्लाई करना है डे टाइम पे। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को बिल्कुल कवर करके जाइए जिससे कि आपकी स्किन जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट रहे, सन डैमेज से प्रोटेक्ट रहे। सेकेंड, आपको अपने चेहरे में हैवी मेकअप अवॉइड करना है। एटलीस्ट 2 से 3 महीने आप किसी भी तरीके का हैवी मेकअप ना करें, कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जिससे कि आपकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन होती है या ईचिंग होती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ना करें। दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करें और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पे जरूर अप्लाई करें जिससे कि आपकी स्किन बाहर से भी हाइड्रेट रहे। और अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना है और सीजनल फ्रूट आपको खाने हैं। जंक फूड एंड ऑयली फूड जितना आप अवॉइड करें उतना बेटर रहेगा। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।